क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुरली है। ये कौन सा ग्राम पंचायत है? ये ग्राम पंचायत छपिया राज्य सुगाँव हरैया भैया। आप यहाँ क्या हैं? हम प्रधानपति हैं। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ पर छपिया ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय ये महीने में कितने बार खुलता है? अब हमको ये लग रहा है कि हफ्ते में एक दो दिन ये टीचर बंद ही करके जाते हैं, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते में हम शनिवार या शुक्रवार को आए थे तब भी बंद था, और आज हमको सूचना मिला कि बच्चों को छोड़ दिया गया और रसोइयों द्वारा, और टीचर नहीं आए हैं। और टीचर से हम कई मर्तबा कहे हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाइए, ये अतिरिक्त बच्चों का एडमिशन भी कर चुके हैं, लगभग यहाँ 68 बच्चों का ये एडमिशन किए हैं, जिसमें से हमको ये लग रहा है अगर जांच किया जाए तो इसमें 30% फर्जी 30 बच्चों को फर्जी एडमिशन हो चुका है जो अदर विद्यालय में पढ़ते हैं। और यहाँ बच्चों द्वारा बताया जाता है कि ना तो ये सही से दूध देते हैं और ना तो फल देते हैं। दूध जो इनका 200 ml या 200 ग्राम है, ये इसमें से 100 ग्राम बड़े मुश्किल से दूध देते हैं। और इनसे 2 महीने से हम चाबी मांग रहे हैं शौचालय का, कि शौचालय छोड़ दो, अरे खोल दो, यहाँ के बालिकाएं जो हैं शौच करने बाहर जाती हैं। तो ये कहते हैं कल खोल देंगे, परसों खोल देंगे, साफ नहीं है, सफाई नहीं है। बल्कि हम इनसे कहें कि हम बाल्टी वगैरह व्यवस्था कर दे रहे हैं, वो स्वयं जिसको भी बाथरूम लेटरिन जाना होगा तो हैंडपैप से पानी भर लेगा। प्रधानाध्यापक का क्या नाम है? प्रधानाध्यापक का तो नाम याद नहीं है, इस पे वो नाम भी नहीं लिखे हैं, वो हमसे वैसे दूर भागते हैं। अच्छा अच्छा, जब हम आते हैं तो दूर भागने लगते हैं। यहाँ शिक्षा मित्र कोई है? शिक्षा मित्र यहाँ नहीं है, यहाँ एक रसोईया महिला है, एक पुरुष है और एक टीचर है। सहायक टीचर एक है? हाँ, एक सहायक टीचर यहाँ है, कहते हैं फैजाबाद से हम आए हैं। ये मतलब ये कई टीचर है, ये कई टीचर है, चाहे वो एक ही है सहायक टीचर। अच्छा, इस विद्यालय में सिर्फ एक ही टीचर हैं, बाकी ना तो शिक्षा मित्र हैं, वही स्कूल को देखते हैं। हम आपसे पूछ ये रहे थे कि जैसे पढ़ाई पीरियड में महीने में कितनी बार इनका स्कूल चालू रहता था, कितना बंद रहता है? हमको लग रहा है कि जो सरकार की छुट्टियां होंगी जितनी उतनी इनकी भी छुट्टी होगी, उतना ही ये पढ़ाई करते हैं। अगर सरकार की छुट्टियां महीने में 8 है तो समझ लीजिए कि 5-7 ये भी बगैर बताए चले जाते हैं। और बच्चों यहाँ आके बच्चे सब 12 बजे 11 बजे बैठ करते हैं, उसके बाद बच्चे अपने घर चले जाते हैं। और इस तरह से अगर ये पढ़ाएंगे तो हमारे गांव की या हमारे ग्राम सभा के बच्चों किस तरह से पढ़ेंगे, क्या करेंगे, उनके भविष्य को ये बर्बाद कर रहे हैं। जो भी टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं वो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं बच्चों का। आप लोग इसी गाँव के हैं? हाँ, हम लोग इसी गाँव के। क्या गुरुजी कितने बार महीने में रहते हैं यहाँ? भैया का बतावे, हम तो यही है, आज आए नहीं है। और फिर जो है जैसे पढ़ाई पीरियड में वो कभी कभी रहते हैं स्कूल पे, कि कभी कभी निकल जाते हैं 12 ही बजे 3 बजे निकल जाते हैं। आज महीने में 8 छुट्टी होगी तो 8 दिन 8 छुट्टी कहाँ होता है? वैसे संडे तो 4 संडे होता संडे है, हो गया है। और कुछ त्योहार पड़ जाते हैं, 4-5 इन त्योहारों के बाद में जो जब पढ़ाई होता है बच्चों का, विद्यालय खुलता है, क्या उसमें भी ये विद्यालय बंद रखते हैं? उसमें लगभग 2-4 दिन 5 दिन तो बंद रहता है कई बार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम परमात्मा चौधरी। कौन सा गाँव है? गाँव यही हरैया भैया है, एक ही ग्राम पंचायत में है जी। और रिक्वेस्ट ये है, और शिक्षा विभाग के जितने भी आला अधिकारी हैं सबसे मेरा रिक्वेस्ट ये है, ऐसे भ्रष्ट टीचर को हमारे यहाँ आवश्यकता नहीं है। इस टीचर के ऊपर कार्रवाई करें, और कार्रवाई करके इस टीचर को यहाँ से हटा दिया जाए और दूसरा टीचर लाएं, क्योंकि ये बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं उन्हीं से बच्चों से काम दिलाते हैं, उन्हीं से पढ़वाते हैं। और क्या नाम है, ये स्वयं मोबाइल पर घंटों घंटों बात करते हैं। तो इस तरह से हमें हमारे विद्यालय में ऐसे टीचरों की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहे वो SDI साहब हो, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब हो, DM महोदय हो या शिक्षा मंत्री हो, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ से ऐसे टीचर को हटा दिया जाए, कोई तेज तर्रार टीचर लाया जाए जिससे हमारे गांव का विकास हो, हमारे गांव के जो गरीब परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं वो कम से कम तो प्राइमरी तक पढ़ लें, कम से कम कहीं जाके बोलने लायक तो रहें। ये कितने दिन से यहाँ तैनात है? ये तैनात यही लगभग मार्च व अप्रैल से यह तैनात है। ठीक, धन्यवाद।